गया जी में सुरसैला कला संस्था के द्वारा विलुप्त हो रही संगीत को बचाने के लिए कार्यशाला सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य गुरु पद्मभूषण पंडित साजन मिश्रा और उनके शिष्य का विशेष भागीदारी रही। गया में लगभग 5 वर्षों से सुरसैला कला संस्था के द्वारा देश अनगणित कलाकारों को आमंत्रित कर संगीत की प्रस्तुति व बच्चों को तालीम देने के लिए बुलाया गया। इस मौके पर श्रीमती मालिनी अवस्थी, पंडित अजय पौनकर, पंडित राम कुमार मिश्र और अन्य कलाकारों का आगमन हुआ। सुरसैला गया के विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर संगीत के विभिन्न विधाओं की तालीम दे रहा है। पंडित शारद मिश्रा के कार्यक्रम के दौरान बच्चों को विभिन्न प्रकार की रागों को ज्ञान के लिए बंदिश की तालीम दिया गया। गया में लगभग 7 दिनों तक देश के विभिन्न राज्यों से शिष्य गया में आकर संगीत में गायन शैलियों की तालीम लिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संगीत की तालीम लेते हैं कोई अपराधी नहीं बनता, बल्कि संगीत के सुरों की तरह सुरीला रहता है। इसलिए संगीत जिसके जीवन में है, जो शांति के साथ जीवन जीता है, किसी भी तरह का गलत विचार मन में नहीं आता। सभी छात्रों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित गुरु पंडित साजन मिश्रा ने किया। हम अपने इतने लंबे अरसे जीवन में तो अभी तक नहीं देखे कि कोई भी क्रिमिनल हो जिसने किसी का मर्डर किया हो। इतना जीवन बीतने के बाद भी कोई ऐसा हमको अनुभव नहीं मिला, ना किसी से सुनने को मिला कि एक संगीतकार परिवार का बच्चा किसी का मर्डर किया हो। तो मुझे यही विश्वास है कि संगीत एक ऐसी विषय है, संगीत ऐसा विषय है कि वो करने वाले उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, तो सब कुछ बदल जाता है। जो सुरसैला कर रही है, क्या ये बिहार सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि बिहार में शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार बहुत कम है। हाँ, एक ज़माने में था, बिहार में बहुत फेस्टिवल्स होते थे, लेकिन शिक्षा जो होती थी गुरुकुल परंपरा से होती थी। फिर उसके बाद में स्कूल और कॉलेजेज में टीचर आ गए, वहाँ शिक्षा होती है क्लास के हिसाब से। लेकिन सुरसैला ने उस प्रयास को फिर से पुनर्जीवन दिया है कि गुरु शिष्य परंपरा कायम किया जाए और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही संगीत सीखा जा सकता है। तो वो प्रयासरत हैं सुरसैला संस्था, और जिसके वजह से आज आपको, हमको, सबको ये देखने को मिल रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे संगीत से जुड़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज समापन है, कई दिनों तक हमने तालीम दी बच्चों को। नहीं, बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, लेकिन अपने संगीत के ये जो बीजारोपण हो रहा है इसको अपने साथ रखिए। आप किसी भी पेशे में जाके वहाँ पे आप अपने संगीत को थोड़ा करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस होगा, जो तनाव होगा, दिन भर का कार्य का तनाव, उससे आप मुक्त रहेंगे। तो इसलिए इन सब के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए मेरा संदेश यही है कि संगीत से जुड़े रहिएगा तो आप तनाव मुक्त रहिएगा।